फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में, और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और गाइस, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग वोकैबुलरी के बारे में भी बात करेंगे और वोकैबुलरी भी सीखेंगे। जो इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है वो तो चलती रहेगी, इंग्लिश स्पीकिंग की जो हम लोग सीख रहे हैं 90 डेज का चैलेंज पर, साथ ही साथ हम लोगों को अपने वर्ड्स की जो है कैपेसिटी को वो बढ़ाना पड़ेगा। अपनी माइंड की जो डिक्शनरी है उसके अंदर बहुत सारे नए वर्ड ऐड करने पड़ेंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ फ्रेजियल वर्ब के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रेजियल वर्ब, उसका मीनिंग और उसका क्या यूज़ है, आज उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो गाइस, पहला जो वर्ड है वो है अकाउंट फोर। ठीक है, अकाउंट फोर समथिंग, यहाँ पर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी ये वर्ड आएगा अकाउंट फोर, उसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीज़न फोर। ठीक है, एक्सप्लेन करना है किस वजह से है, दैट मीन्स जवाब देना, यानी कि का कारण बताना। ठीक है, किसी चीज़ का जब हम कारण बताते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका। यू आर अकाउंटेड फॉर योर मिस डैमनर। ठीक है, आपने जो भी मिस डैमनर होता है, जो भी आपने कोई छोटी मोटी गलती, यानी कि जो ज़्यादा संगीन किस्म का अपराध ना हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यू आर अकाउंटेड फॉर योर मिस डैमनर, कि आपने जो आप जवाब दे हो, जो भी आपने गलती की है उसके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट फ्रेजियल वर्ब है एड अप। एड अप किसे कहते हैं गाइस? टू जॉइन और यूनाइट सो एज टू इंक्रीज। किस लिए कर रहे हैं जॉइन या यूनाइट? इंक्रीज करने के लिए, या तो साइज में, या क्वांटिटी में, या क्वालिटी में, या फिर स्कोप में। ठीक है, दैट मीन्स जुड़ जाना, जिससे क्या हो रहा है, या तो माप या भार, इनमें बढ़ोतरी हो जा रही है। ठीक है, यानी कि इंक्रीज़ करना, टू जॉइन और यूनाइट किस में इंक्रीज कर रहे हैं? साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी और स्कोप में। तो एग्जांपल है, एड अप दीज वर्ड्स टू योर वर्ड बैंक। जिस तरह से मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ ना, तो आई कैन से दैट कि एड अप दीज वर्ड्स टू योर वर्ड बैंक, अपने वर्ड बैंक में ये वर्ड्स जो हैं ऐड कर लो। नेक्स्ट इज आंसर फोर। ठीक है, तो आंसर फोर मतलब जवाब दे होना, टू बी रिस्पॉन्सिबल फोर, किसी बात के लिए जवाब दे होना। तो एग्जाम्पल है, मैं कह रही हूँ आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए मैं जवाबदेह नहीं हूँ। नेक्स्ट वर्ड है गाइज आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी की सेहत के बारे में पूछताछ करना, टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन, यानी कि यहाँ पर किसी के बारे में, किसी की सेहत के बारे में पूछताछ की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई मेट मिसेस गुप्ता एंड शी वॉज आस्किंग आफ्टर यू। मैं मिसेस गुप्ता से मिली थी और वो आपके बारे में, आपकी सेहत के बारे में पूछताछ कर रही थी। नेक्स्ट इज आस्क फॉर, दैट मीन्स समथिंग, मतलब जब हम आस्क आफ्टर लगाते हैं तो हम किसी के बारे में पूछ रहे होते हैं, पर्सन की बात कर रहे होते हैं, और आस्क फॉर लगाया है तो समथिंग, यानी किसी वस्तु की मांग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो टू डिमांड, यानी कि किसी वस्तु की मांग करना। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारा, शी वॉज आस्किंग फॉर अ हाइक इन हर सैलरी, कि भाई वो क्या कर रही थी, किस चीज़ की मांग कर रही थी, सैलरी बढ़ाने की मांग कर रही थी। ओके, नेक्स्ट इज अटेंड ऑन। तो अटेंड ऑन का मतलब होता है टू सर्व, यानी कि सेवा करना। तो भाई, शी हैज़ मैनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन हर, उसके पास बहुत सारे सर्वेंट्स हैं उसकी सेवा करने के लिए। तो गाइज, इस तरह के जो वर्ड्स हैं मैं आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आती रहूँगी, और आई होप कि आपको ये पसंद आएगा और आप इससे अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।